गाजियाबाद से हैं आशा, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। आशीन जी को नमस्ते मेरा। जय हिंद, स्वागत। आशीन जी हमारा बेटा है 35 साल का, तो उसके जो है ना पेट में इन्फेक्शन ठीक है। है। तो हाँ, उसकी इन्फेक्शन है पेट में, तो 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने होती है जैसे ही, वैसे उसके पेट में दर्द होने लगता है, बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसको दवाइयां ही लेनी पड़ती, जब सही होता है। इसको कम से कम भी तो 5-6 साल हो गए हैं फिर दवाई कराती हुई। तो ठीक। हाँ, तो उसके लिए कोई ऐसी मतलब इंफेक्शन की दवाई बता दो जो वो सही हो जाए, जितने दिन खानी पड़े। हाँ, जी। और दूसरी बात ये है ना, छोटा वाला बेटा है ना, उसको जो है ना बाल भी सफेद हो रहे, वो 32 साल का है, और उसका चेहरा भी जैसे कुछ हो रहा, पेट में गर्मी सी रहती है। तो ठीक। उसको जो है ना, हाँ, कभी कभी 2 बार लैट्रिन जाना पड़ता पेट में, अगर महाग बनी रहती है जैसे हल्का फुल्का, कभी दर्द हो जाएगा, नहीं तो ज्यादातर पेट गरम गरम सा रहता है। पानी तो वैसे वो बहुत पीता है। ठीक। अच्छा देखिए, बहुत आसान नुस्खा है और दोनों बच्चों को दें। और आसान नुस्खा इसलिए है कि ये आती है, हम आप तो गाजियाबाद में रहती हैं। देखिए, हम यूपी दिल्ली वाले बेल पत्थर बोलते हैं, पत्थर बेल भी बोलते हैं। ये एक फल है जो गर्मियों में आता है और अभी आम के साथ आता है, अभी तो ख़त्म भी हो गया है, लेकिन उसका ख़त्म होने की से कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक आता है उसका मुरब्बा। हर चीज़ का अगर ऑफ सीजन में इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादातर चीज़ों का मुरब्बा बना देते हैं। जैसे हम आंवला खाते हैं सीज़न में और ऑफ सीजन में आंवले का मुरब्बा खाते हैं, ऐसे ही बेल खाते हैं सीज़न में और उसके ऑफ सीजन में बेल का मुरब्बा खाते हैं। तो बेल का मुरब्बा लें, उसमें 3-4 इंच के पीस होते हैं, इतने बड़े बड़े 3-4 इंच के गोल पीस होते हैं बड़े बड़े, ये लें और आधा करें इसको बीच में से, और दोनों बच्चों को आधा आधा खिला दीजिए सुबह खाली पेट। और एक आता है नमक जैतून, याद रखें ये असली लेना है, नमक जैतून, और एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिला दें और एक बच्चे को पिला दें 2 गिलास पानी, फिर दूसरे बच्चे को भी ऐसी 2 गिलास पानी में मिला के एक चुटकी नमक जैतून, नमक जैतून यानी जैतून का नमक, रोज़ाना एक खुराक बच्चों को ज़रूर खिलाया करें, आपके दोनों बच्चों को फ़ायदा होना मुमकिन है। सुधीर जी, स्वागत है आपका। मैम, जी सर, बताइए, सवाल करिए। मैं अब दो सवाल करना चाहता हूँ आप। जी सुधीर भाई। एक तो मेरे लड़की के चेहरे पे निशान हो जाते, काले काले दाने निकलते हैं, तो बहुत निशान हो जाते हैं। हेलो। ठीक है, हम सुन रहे हैं, एक सवाल आ गया हमारे पास, दूसरा सवाल हाँ जी, बताइए। दूसरा साहब, मेरा लड़का है 22 साल का, उसे खाया पिया कुछ नहीं लगता, कुछ उससे नुकसान बताए। ठीक। मुझे देखिए, जिस बच्ची के निशानात आ जाते हैं चेहरे पर, वो बच्ची को अलसी और धनिया, ये दो चीज़ें 100-100 ग्राम या 200-200 ग्राम लें, दोनों को बराबर बराबर लेनी है। 200-200 ग्राम लें तो अच्छा पूरे महीने का नुस्खा बन जाएगा। इनको हल्का सा भून कर धनिया और अलसी पाउडर बना लें, और ये 1 चम्मच सुबह अगर नाश्ते से पहले ले तो बहुत अच्छा है, वैसे बाद में भी ले सकती है, 1 चम्मच इसका पाउडर खाएं। और एक आता है नमक जैतून, याद रखें नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, जैतून के फल का एस्टेक है, रॉ मटेरियल है, नमक जैसा ही लगता है बिल्कुल देखने में, लेकिन नमकीन नहीं होता स्वाद में, ये इसकी पहचान है, जो याद करके आप असली वाला नमक जैतून लें और एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये जो धनिया और अलसी का पाउडर है बच्ची को ने खाया है उसके बाद 2 गिलास पानी पिला दिया करें,
बच्ची का चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, उसके हाजमे के लिए, उसके दानों के लिए, उसके निशानों के लिए, उसके बालों के लिए, उसके पेट के लिए, उसकी पूरे ये नुस्खा जो है असल में 8-10 रोगों में काम करता है। ये नुस्खा आप देना शुरू करें और कई महीने तक दें, ये आपकी बच्ची के लिए और आपके बच्चे के लिए। कहता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें असली लेना है, नकली बहुत ज़्यादा मिलता है। ये सफ़ेद रंग का लेना, आप दुकान पे जाएंगे तो लाल सा दे देगा कुछ, वो नहीं लेना, वो नकली होता है। पीला सा देगा, नहीं लेना, ये बर्फी जैसा होता है, इसे ले आप गौन मोरिंगा सफ़ेद। और 1 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर बच्चे को पिला दिया करें, दिन में 1 बार पिलाना काफ़ी है बस। अगर नारियल पानी खूब पिलाया करें उसे, आपके बच्चे की सेहत मुमकिन है जी। नहीं मियाँ जी, स्वागत है आपका। दवा मंगाई थी प्रोस्टेट की, मैं 62 साल की उम्र है मेरी जी जी, और जून में दवा मंगाई थी मौन गोंद मरिंदा सफेद और कैप्सूल पी केयर, ठीक है। लेकिन उसमें कैसे खाना है उसे अभी मैं सिंगल सिंगल खा रहा हूँ, सुबह को एक खाता हूँ और नाश्ते के बाद लेता हूँ गोंद, तो अभी ज्यादा फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा ज्यादा 15% फायदा हुआ होगा मुझे जी जी, ठीक। अच्छा देखिए, ये जैसे आप खा रहे हैं इसी तरह खाना है, और ज़्यादा फायदे के लिए ये आपका एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको। लाजवंती आती है, जिसे बारीक बारीक बीज होते हैं, लाजवंती बहुत मशहूर है दवा, बारीक बारीक बीज है, अगर पानी में डालो तो पानी कोई पी जाते हैं। ये लाजवंती के बीज ले लीजिए और 1/2 चम्मच या 1 चम्मच दूध में या पानी में मिक्स करें, और जब चम्मच जल्दी जल्दी चलाते रहें, नहीं तो ये गांठ सी पड़ जाती है और मुश्किल हो जाती है। ये जब घुल जाए इसमें, अगर शुगर वगैरह नहीं है तो शक्कर मिलाकर पी सकते हैं इसे, और ये नुस्खा ऐसे ही लेते रहें, दिन में 1 बार या 2 बार ये शुरू कर दें तो इससे और बहुत बेहतर फ़ायदा मुमकिन है। 2-3 महीने इलाज करके आप अपनी तकलीफ से निजात पा सकते हैं। राजस्थान से गुरमीत कौर जी, स्वागत है आपका। मेरे सर पैरों में बड़ी दर्द होती है, गर्दन मेरी अकड़ी हुई, इस टाइम भी बड़ी अकड़ी हुई है, दाईं तरफ तो पड़ती नहीं है, बड़ी दर्द हो रही है, कंधों में दर्द रहता है, फिर मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मेरे ना बोलते हैं कि जो पीछे कमर में मनके है ना, थोड़े दिन हुए एक्सरा करवाया था, वो बोलते थे उसमें ना मनकों में नीचे वाले मनकों में थोड़ा थोड़ा गैप पड़ रहा है, तो सारी प्रॉब्लम है मेरी, ज्यादा ही घुटनों में भी बहुत दर्द है, कमर में भी, मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे से ना चला नहीं जाता ज्यादा, मैं थोड़ी देर खड़ी होती हूँ तो रोने लग जाती हूँ, दर्द होने लग जाता है बड़ा जबरदस्त। उम्र कितनी है आपकी ये बता दें? मेरी उम्र 55 साल है। अच्छा देखिए, आप हमारे साथ बात तो आज हुई है लेकिन जुड़ी भी बहुत दिन से है। देखिए मैं जो भी शेयर करता हूँ आपसे, आपके बच्चे भी सुन रहे होंगे खूब गौर से, ये देखिए आपकी मम्मी को बहुत तकलीफ है और इस तकलीफ को महसूस मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा जानता हूँ, और ये तकलीफ अच्छी भी हो सकती है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए 2-3 बातें माननी होंगी। बच्चों देखो, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो लगवा दीजिए सबसे पहले, इनकी वेस्टर्न टॉयलेट एक कुर्सी वाला शौचालय, और अपनी ज़रूरत इस पर पूरी किया करेंगे, इसके बगैर इनका अच्छा होना मुमकिन नहीं है। अगर है, वैसे तो ऐसा लग रहा है बच्चे ने ऐसा इंतज़ाम रखा होगा, लेकिन फिर भी सबसे मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे मरीज जो कमर की तकलीफ और घुटनों और की तकलीफ वाले हैं, उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है। एक तो ये, फिर ये जो 55 साल के और 60 साल के लोग होते हैं हम जैसे या इनके जैसे,
तो ये जिद्दी और मेहनती बहुत होते हैं। इनके लिए हिदायत ये कि इनको मेहनत का काम नहीं करने दें, जैसे झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करें, चाहे बच्चों को खुद करना पड़े। कोई बुराई नहीं अपने घर का काम करने के लिए, मैं भी कर लेता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर सबको करना चाहिए, इससे भगवान खुश होता है। तो झाड़ू पोछा ना करें, कपड़े ना धोएं, किचन में खड़े होकर सारे काम करें, कोई बात नहीं, वजन नहीं उठाएं, ये मेरी शर्तें हैं। और 5-6 महीने इलाज करें, अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तब भी 5-6 महीने करना है, ये याद रखें आप। और देखिए, गोंद सियाह नाम का एक काला गोंद आता है, जो अधिकतर नकली भी मिल जाता है, असली ले लें, असली गोंद सियाह, ठीक है, ये पाउडर बना के रख लें। अब आपके घर में अलसी तो सभी महिलाएं जानते हैं, अलसी और हर लें 300-400 ग्राम अलसी खरीद लें, 100 ग्राम गोंद सियाह खरीद लें, बस काफ़ी है इनके लिए। ये अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना लें, 1/2 चम्मच अलसी और 1/2 ग्राम गोंद सियाह। गोंद सियाह एक काबली चने के बराबर, काबली चना जो होता है बड़ा वाला, इतना सा इस शहद में मिला के या मलाई में मिला के नाश्ते के बाद इन्हें खिला दें, और कम चर्बी का दूध या पानी पिला दें, और ऐसे ही रात को सोते वक्त, और 5-7 दिन मुझसे कुछ ना कहें। 5-7 दिन में या तो कम होना शुरू हो जाता है या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा हो तो 5 दिन दर्द की दवा ले लेना, ये दर्द की नहीं, ये मर्ज़ की दवा मैंने बताई है। ज़्यादातर लोगों को, 98% लोगों को कम ही होता जाता है, 2% का बढ़ के फिर कम होता है। दर्द बढ़ जाए तो दर्द की गोली साथ में ले लेना, नहीं बढ़े तो मज़े आ गए। और इन्हें 5-6 महीने पहले इन्हें दवाई नहीं छोड़ने देना, आपकी मम्मी बिल्कुल अच्छी हो सकती है।